घबराहट में घुस गए एक घर में, गहरी चोट लगी थी सर में, डर के मारे कांप रहे थे, बुरी तरह हांफ रहे थे। तभी गृहिणी बोली, कौन? हम खड़े रहे मौन। वो बोली, बताते हो या किसी को बुलाऊं, इससे पहले कि अपनी जबान हिलाऊं। आंख चल गई, वो मारे गुस्से के जल गई, साक्षात दुर्गा सी दिखी, बुरी तरह चीखी। बात ही बात में जुड़ गए अड़ोसी पड़ोसी, मौसा मौसी भतीजे मामा, मच गया हंगामा। नमस्कार, मैं लोकनाथ खनाल आप सबको स्वागत करता हूँ हमारे मिस्टर टीचर यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको शैल चतुर्वेदी की हास्य कविता सुनाने जा रहा हूँ। आज का हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य करना, और चैनल में नए आए हो सब्सक्राइब करना और घंटी का बटन ज़रूर दबाना ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बिना देर किए हुए शैल चतुर्वेदी जी की हास्य कविता सुनाने जा रहा हूँ। वैसे तो मैं एक शरीफ इंसान हूँ, आप ही की तरह श्रीमान हूँ, मगर अपनी आँख से बहुत परेशान हूँ। अपने आप चलती है, लोग समझते हैं चलाई गई है, और जानबूझकर चलाई गई है। एक बार बचपन में, शायद सन 55 में, क्लास में एक लड़की बैठी थी पास में, नाम था उसका सुरेखा, और उसने हमें देखा और बाई चल गई। लड़की हाय हाय क्लास छोड़कर चली गई। थोड़ी देर बाद प्रिंसिपल ने बुलाया, लंबा चौड़ा लेक्चर पिलाया। हमने कहा, जी भूल हो गई है। वो बोले, ऐसा भी होता है, भूल में शर्म नहीं आती, ऐसी गंदी हरकतें करते हो स्कूल में। इससे पहले कि हकीकत बयां करते, फिर चल गई, प्रिंसिपल को खल गई, हुआ ये परिणाम, कट गया हमारा नाम। बमुश्किल तमाम मिला एक काम, इंटरव्यू में खड़े थे क्यू में, सामने एक लड़की अड़ी, अचानक मुड़ी, उसकी नज़र हम पर पड़ी, हमारी आँख चल गई और लड़की उछल गई। बाकी उम्मीदवार चौके और लड़की की ओर लेकर हम पर भौंके, फिर क्या था, मार मार जूते चप्पल फोड़ दिया बक्खल, सिर पर पैर रखकर भागे, लोग बाग पीछे हम आगे। घबराहट में घुस गए एक घर में, गहरी चोट लगी थी सर में, डर के मारे कांप रहे थे, बुरी तरह हांफ रहे थे। तभी गृहिणी बोली, कौन? हम खड़े रहे मौन। वो बोली, बताते हो या किसी को बुलाऊं, इससे पहले कि अपनी जबान हिलाऊं। आंख चल गई, वो मारे गुस्से के जल गई, साक्षात दुर्गा सी दिखी, बुरी तरह चीखी। बात ही बात में जुड़ गए अड़ोसी पड़ोसी, मौसा मौसी भतीजे मामा, मच गया हंगामा। चड्डी बना दिया हमारा पजामा, बनियान बन गया कुर्ता, मार मार बना दिया भुरता। हम चीखते रहे और पीटने वाले हमें पीटते रहे, भगवान जाने कब तक निकालते रहे रोज। जब हमें आया होश तो अस्पताल में पड़े थे, और डॉक्टर और नर्स हमें घेरे खड़े थे। हमने अपनी एक आंख खोली तो एक नर्स हमसे बोली, दर्द कहाँ है, हम कहाँ कहाँ बताते, और हमारी आंख चल गई। नर्स कुछ न बोली, भाई गौर चल गई, मगर डॉक्टर को खल गई। वो बोले, इतने सीरियस हो फिर भी ऐसी हरकत कर लेते हो, इस हाल में शर्म नहीं आती, मोहब्बत करते हुए अस्पताल में। उनके जाते ही आया बॉर्ड बॉय और देने लगा अपनी राय, भाग जाएं चुपचाप यहाँ से, नहीं जानते आप, बढ़ गई है बात, डॉक्टर को गड़ गई है, केस आपका बिगाड़ देगा, न हुआ तो मरा बताकर जिंदा ही गड़वा देगा। तब अंधेरे में खिड़की से मुद कर भाग आए, जान बची तो लाखों पाए, जान बची तो लाखों पाए। धन्यवाद।